तो फ्रेंड्स, ये पूजा ट्रेडर का नया शॉप है जो कुर्ला ईस्ट में है। 1500 स्क्वायर फीट का ये एरिया है और ये पूरा फिश टैंक का सेक्शन है नीचे, और यहाँ पे प्लांटेड टैंक्स का सेक्शन है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये फूड स्पा है, ये देखिए, जस्ट अभी ये फिश आया है यहाँ पे। और ये इनका पूरा टैंक्स का सेक्शन है, इसमें अभी फ़िलहाल लिमिटेड स्टॉक है क्योंकि जस्ट अभी पूजा हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर, तो अभी फ़िश स्टॉक कुछ थोड़े से लाए हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस टैंक में बैंडेड लेपरोनिस है और पंगेसियस शार्क है। ये सब शार्क जो है 6 to 7 इंचेस के, और रोजवुड कैटफिश है ये देखिए। और यहाँ पे सिल्वर अरवानाज है जो 1 फीट के साइज में रहेंगे। ये रोजवुड कैटफिश जो है ये 8 इंचेस की रहेगी, 8 to 9 इंचेस। और ब्लैक गोस्ट है यहाँ पे, ये भी सब बड़े साइज में है, अराउंड 1 फीट। और एंजल्स है यहाँ पे, रेड डेविल एंजल्स है। और नीचे सिकलेट्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वीडियो टेट्रास भी है, ग्रीन वीडियोज़ है, येलो वीडियोज़ है और पिंक वीडियोज़ है। और यहाँ पे हाइब्रिड स्टिंगरे है जो 6 to 7 इंच का रहेगा। और ये है स्मोकी ब्लू एंजल्स। हाय सर, हेलो। कि आपको यहाँ पे शॉप में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इनका सेटअप भी बहुत अच्छा है, वैरायटीज भी मुझे देखने को मिली यहाँ पे। काफ़ी जगह पे वो इतनी वैरायटीज देखने मिलती नहीं है। द ओनर हैज़ बीन रियली सपोर्टिव, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया है। बिकॉज आई एम नॉट टू मच डिटेल, मैं डिटेल नॉलेज नहीं है मेरे पास, बट उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड भी किया है मुझे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा फिश, कौन से अलग फिश के साथ। बिकॉज आई केम हियर टू गेट अ फिश, आई वॉन्टेड टू गिफ्ट इट टू समवन, एंड आई रियली लव द एंटायर सेटअप। इट्स बीन फैबुलस, अच्छे एक्सेसरीज एंड द फिशेस एंड द वैरायटी एंड द ओवरऑल एरिया वाइज क्लीनलीनेस, हाइजीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइव एनिमल्स। सो इट हैज़ बीन अ फेनोमिनल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो यहाँ पे कस्टमर है जयंत सर, उनसे हम लोग अभी बात करते हैं। हाय सर। हेलो सर, आपका ये यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था ये स्टोर में आके? दिस इज अमेजिंग, पूजा ट्रेडर्स हैज गॉट अ शॉप नाउ विच इज हैविंग पेट्स फिश एंड द कलेक्शन इज अमेजिंग। आई सॉ सम ऑफ द फिशेस व्हिच आर लाइक आई हैवंट सीन एंड दे टोल्ड मी दैट इट इज फॉर एग्जांपल द लायन फिश एंड द अदर फिशेस, दे आर जस्ट टू गुड, आई हैडन्ट सीन देम हियर, and they say that it is from the Indian Ocean only. Okay. So fantastic, and the collection of the tanks, the fishes, of obviously the rocks and the live whatever they have and the food, and the collection itself and the display is so good. I think I haven't seen this kind of a collection for fish in Mumbai, Navi Mumbai, abhi tak kabhi nahi dekha tha. So this is a amazing thing. Even if you're not going to buy, you should come and see the collection and the things which they have. And I think they are very economically priced. They are, I think, one of the best collections I've ever seen. So I'm very happy to visit this Pooja Traders, and I wish them all the best. And everybody should come and see the lionfish for sure. Thank you so much. I wish Milind Watts and his team all over here, who's managing this shop, all the best. Thank you. और ये दो बैग्स अवेलेबल है यहाँ पे, ये आप अपने पेट्स को कैरी कर सकते हो, और वेंटिलेशन के लिए भी अच्छा यहाँ पे स्लॉट्स है। और ये एक दूसरी बैग है यहाँ पे।
तो ये अच्छा है आजकल आपको अगर किधर ट्रैवल करना है तो। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स के टॉयज़ रखे हुए हैं, और ये साइड पे भी बर्ड्स के कुछ टॉयज़ है और बर्ड फूड भी है, बाउल्स भी है। और ये अभी हम एंटर करते हैं मरीन का, यहाँ पे सेक्शन है और प्लांटेड एक्वेरियम्स का, तो वो हम देखते हैं। और ये देखिए आप ब्यूटीफुल मरीन टैंक सेटअप से यहाँ पे। अभी इसके अंदर अभी गोप्रो डाल के मैं दिखाता हूँ आपको सब फिशेस। तो फिलहाल अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है स्टोर में, मेरा एक कोड है जो मैं अभी डिस्प्ले करूंगा इस वीडियो पे। तो ये जो कोड है आपको स्टोर में जाके बताना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस स्टोर से। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये कोड बताया हुआ है, वहाँ से भी ये कोड ले सकते हो। Congratulations both of you for your new venture, Swapnil ji and Milind sir. आपको इस store के बारे में कुछ बताइए मुझे। So guys, you know, I would like to thank Swapnil Painkar for giving me this opportunity to work with him. You know, and we'll try to give our best to the customers. जो भी information देंगे, मेरी तरफ से जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे 35 साल का एक्सपीरियंस है फिश कीपिंग में, वो देना चाहूँगा लोगों को, ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो, उनके फिश को कोई तकलीफ नहीं हो, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। एंड आई वुड लाइक टू यू नो थैंक स्वप्निल अगेन फॉर दिस वंडरफुल स्टोर, जो बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु विल ऑलवेज लाइक टू गिव हिज कस्टमर्स द बेस्ट। ओके, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैसे कि आप ये स्टोर्स में देख रहे हो, उन्होंने फैसिलिटी के लिए पहले फिशेस के ऊपर ध्यान दिया है, फिर बाद में यू नो ही वेंट टू अस कि अभी अभी आपको क्या चाहिए वो बता, लेकिन मेरे फिशेस को पहले जो चाहिए वो मैं पहले देना चाहता हूँ। सो यू नो इट इज इट विल बी रियली वंडरफुल वर्किंग विद अ पर्सन लाइक हिम, एंड आई वुड लाइक स्वप्निल टू टेक ऑन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू गुरु। एंड मैं पहला ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि कुछ करना है, और मैंने मिलिंद को सिर्फ बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करना है मुझे, तो आप मेरे को सपोर्ट करेंगे? तो बोला एनी टाइम, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ आपके। और ये जो हमने किया है, मेरे ख्याल से हमने कुछ भी किया नहीं, क्योंकि ये लाइन ने हमको जो दिया है वो हिसाब से हमने लाइन को कुछ रिटर्न नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि द बेस्ट दे लाइन को, और हमारा कोशिश यही रहेगा कि इसके आगे भी हम लोग जो भी देंगे इधर से द बेस्ट रहेगा। और व्यूअर्स के लिए थैंक यू, क्योंकि आपका सपोर्ट के सिवा तो ये काम हो ही नहीं सकता हमारा। तो ऑलवेज वी आर लुकिंग योर सपोर्ट, और पीछे भी था हमारे और आगे भी आपका सपोर्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू। तो ये एक टैंक सेटअप है 4 फीट का, तो ये भी एक टैंक सेटअप है 3 फीट का है। तो ये टैंक सेटअप जिन्होंने किया उनसे भी बात करते हैं, विदेश जी से। हाय सर। हाय। तो सर बताइए जरा इस टैंक के बारे में और इसका फिल्ट्रेशन के बारे में आप कुछ बता सकते हो? ये मरीन टैंक है, सॉल्ट वाटर। ओके। जैसे कि इसका ये टैंक है, इसका फिल्ट्रेशन नीचे आता है। ओके, नीचे नीचे दिया हुआ है। अच्छा, अगर अपने पास जगह की कमी है, नीचे की जगह नहीं, तो फिर ये जैसा टैंक बनाया हुआ है उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम पीछे है। वैसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको फुल टैंक चाहिए, अगर फिल्टर रखने के लिए जगह है, तो फिर ऐसा स्मॉल साइज में करके भी एक्सटर्नल फिल्टर अपन साइड रख सकते हैं। और इनका ये जो जैसे टैंक है, इनका फिर वाटर चेंज कैसा करना पड़ता है? और वीकली करना पड़ेगा या मंथली? नहीं नहीं, वीकली भी चलेगा या मंथली भी चलेगा। अगर टैंक मैच्योर है तो ज़्यादा पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके ओके। तो फिर भी मेंटेनेंस करते वक्त 20-30% चेंज करना पड़ता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जो पानी ब्योक्रेट होते हैं उसमें अपना सादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स का इनका सेक्शन है।
तो ये जो ब्यूटीफुल टैंटेड टैंक सेटअप आप देख रहे हो, तो जिन्होंने ये बनाया उनसे अभी हम बात करते हैं। तो ये कुछ 4 फीट का टैंक सेटअप है। अथर जी, जी तो आप ये हॉबी में कब से हो, टैंटेड टैंक्स और एक्वास्केपिंग में? एक्वास्केपिंग और प्लांटेशन की हॉबी में तो मैं पिछले 3 से 4 साल से हूँ। ओके। लेकिन फिश कीपिंग हॉबी तो सिंस स्कूल टाइम से कर रहा हूँ। ओके, स्कूल टाइम से। हाँ, तो ये एक शौक ही था, तो इसके लिए नेचर का बहुत शौक है, वो हिसाब से मैं चीज़ों को अचीव किया हूँ। ओके ओके। और ये अभी जो टैंक है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? ये टैंक बेसिकली कैसा, जिसका जैसा नेचर का टेस्ट और फील होता है ना, उसको उसमें वो चीज़ खूबसूरती दिख के आती है। तो जैसा किसी को जंगल दीप पसंद है, तो हमने जंगल की दीप की भी कुछ टैंक सेटअप किए हैं, तो वो पसंद आएगा। जिसको स्टेम प्लांट्स एंड जैसे ये मोंटी कार्लो आप देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा ही मेल्टिंग स्टेज पे है। Okay. फिर इसके बाद में ये हेल्थ पकड़ेंगे और फिर उसके बाद में इसका पूरा फ्लो ऐसा नीचे आएगा। या, या, तो ये जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे ना, तो इसका चार्म ही अलग आएगा पूरा आपको देखने Okay, में। Okay. तो बेसिकली और 1 मंथ के बाद और टैंक अलग ही दिखेगा। हाँ, 4 वीक्स तो लेगा ये मिनिमम। और ये रिकार्डिया मॉस भी और थिक और डेंस होगी। अभी हमने इसमें ऑटो सिंकलेस और अमानो श्रीम इंट्रोड्यूस किए है, तो सारे डाइटोम्स जितना एल के आया है ये चले जाएगा इसमें 1 वीक के अंदर। और ये एक टैंक है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये ब्राजीलियन स्टाइल का स्केप है, हमने इसमें ड्रैगन रॉक लगाए है। ओके। और इसमें हमने मोंटी कार्लो और ग्लॉसोस्टिग्मा से पूरा कारपेट करे है। या हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा ग्रीनरी एकदम। तो ये दोनों वैसे ही मोंटी कार्लो है। ओके। वो भी नीचे की तरफ फ्लोट करेंगे, नीचे आएंगे ये भी। ओके। तो ये फिर वीकली इनका वाटर चेंज कुछ करना पड़ेगा? हाँ, इनका वीकली वाटर चेंज होता है, हमारी टीम है ना यहाँ पे पूजा टेटर्स में। हाँ। तो ये उसको बराबर से ध्यान दे के वीकली वाटर चेंज करती है, 50% वाटर चेंज होता है। ओके ओके। तो ये दोनों टैंक में CO2 है राइट? जी, ये दोनों टैंक हाईटेक है CO2 के साथ। ओके। और ये एक टैंक है, ये जस्ट अभी सेटअप हो रहा है ना, जस्ट सेट नहीं हुआ है? जी, ये अभी सेट नहीं हुआ है कम्प्लीटली। ओके। इसे भी एक 4 to 5 वीक्स जाएगा। ये लो टेक टैंक है, इसमें हमने ऐसा जंगल थीम बनाया है। या और इसमें हमने पूरे मॉस लगाए हैं और ब्यूसीफेंड्रा प्लांट्स लगाए हैं। ओके ओके। ये 2 फीट का टैंक रहेगा राइट? हाँ, ये 2 फीट by 18 and 18 है। ओके ओके। इंचेस में शोएब जी आते हैं सर, आप बताइए आपको यहाँ पे स्टोर में आके और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एंड स्वप्निल और मिलिंद का स्टोर बहुत अच्छा बनाया है लोगों ने। अच्छा। एंड इस फील्ड के ये लोग 35-40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन लोगों को, एंड दे आर द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, यहाँ पे पूरा एसेसरीज सेक्शन है इनका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा फिश फूड रखा हुआ है ऊपर, इकारी का भी फिश फूड्स है, और बीटा टैंक्स है छोटे जो पार्टीशन वाले आते हैं फाइबर के। ये देखिए कैसा ब्यूटीफुल एकदम आर्किटेक्चर किया है। तो ये एक इनका रूम है जिसमें सब ड्रिप फूड, स्टोन्स, टैंक्स और फिश फूड और सब शोपीसेस है। और वो एक रूम है जिसमें सब फिल्टर्स है और फिश फूड्स भी है और कैनिस्टर फिल्टर्स भी है। और ये एक सेक्शन है जो इनका ड्रिप फूड्स का है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रिप फूड्स है ये प्लांटेड टैंक्स का सेटअप्स करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये जैपनीज सॉइल है यहाँ पे पैकेट्स में, तो 3 liter, 9 liters जैसा आपको चाहिए वो साइज़ में आपको मिल जाएगा। और टर्टल टैंक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये बड़े साइज़ में है, वो 2 फीट के आसपास रहेंगे, 2 to 2.5 फीट के। ये देखिए साइज़, स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है टर्टल टैंक्स। और स्टोन्स के बारे में कुछ हमें मुकेश भाई बताएंगे। तो स्टोन्स का ये कौन सा स्टोन्स है? ब्लैक स्टोन है और ये 1000 layer है। अच्छा, ब्लैक स्टोन्स है, 1000 layers है, एंड ड्रैगन स्टोन है, ड्रैगन स्टोन्स है यहाँ पे, ब्लैक लावा रॉक है यहाँ पे।
और ड्रिफ्ट वुड्स तो बहुत है ही अभी यहाँ पे, देखिए तो ये सब उसके काफ़ी एग्जॉटिक वैराइटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो इवन कहीं पे देखने नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी सन ने आपको पहले ही देखा दिया क्रिसमस ट्री में, एंड नॉर्मली हम लोग एग्जॉटिक में लगाना चाहते हैं ना कि अपने को कुछ अलग अट्रैक्टिव चाहिए, तो ये सब चीज़ें इजिली आप सिर्फ सेटअप कर दोगे काफ़ी रख दोगे तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा। या और टैंक्स भी सब ब्रांड्स के अवेलेबल है, राइट राइट सर, राइट। आर एस का ये सबसे बड़ा टैंक है यहाँ पे, ये नंबर है, ये 4 फीट का टैंक रहेगा। और स्मॉल साइज के भी है 2-2 फीट के, ये भी आर एस के है। अच्छा, डिजिटल टैंक है ये देखिए, डिजिटल टैंक है पूरा, लाइट्स और इसमें टेम्परेचर आपको दिखाएगा। अच्छा, टच पैनल है पूरा? जी सर, ये पूरा टच पैनल पे काम करता है। ओके, इसमें हम लोग चेंज करके 7 कलर की लाइट में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, एंड इसका जो टेम्परेचर वगैरह वो ऊपर ही शो कर देगा। ओके ओके, ऐसा क्या रहेगा। एंड ये जो है ये काफी हैवी टैंक है, एंड परफेक्ट का टैंक है। अच्छा, 2 फीट बाय 2 फीट इसकी हाइट एंड लेंथ दोनों 2 फीट में साइज में। ओके ओके, और अगर परफेक्ट में साइज में चाहिए तो आपको स्मॉल से लेके बिग साइज तक अवेलेबल है। ओके ओके जी। और ये रहा बोयो का टैंक, जो एक्चुअली कहीं पे ऐसा जल्दी देखने मिलता नहीं है बोयो का टैंक, ये काफी एक्सपेंसिव और काफी अच्छी क्वालिटी का टैंक, इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये भी 2 फीट का टैंक है बोयो का, और स्मॉल साइज में भी आपको मिल जाएगा। ये डिजिटल टैंक है सर, ये देखिए टच पैनल। ओके, और बाउल्स भी है, नीचे का भी है, एक्रेलिक के बाउल्स है यहाँ पे। ये देखिए कैसा ब्यूटीफुल शोपीस है, फाइबर का है ये। ये रेड सी सॉल्ट है, ये भी पैकेट्स में आपको अवेलेबल है। स्मॉल साइज है ये, 1 फीट का साइज है, और ये 1.5 या 3 फीट का टैंक रहेगा, 2.5 फीट का, पर इसका हाइट भी अच्छा खासा है, 2 फीट के ऊपर है। ये देखिए, और ये लाइट्स है, तो इनके बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली ये टीका लाइट्स है, ये अरवाना की स्पेशली अरवाना के लिए है, टैनिंग लाइट्स जो अरवाना को टैन करता है कलर को। और ये कलर अप है, जो हम लोग किसी भी फीसेस को लगाएंगे ना तो उसके जो इंटरनल मतलब जो उसके एक्चुअल कलर है वो इसमें शो करके दिखाएगा। ओके ओके, और ये आप लोग किसी भी फिश को लगा सकते हैं स्पेशली, तो डिस्कस फ्लावर ऑन और जो भी फिश। ओके जी सर, तो ये स्टार्टिंग साइज क्या रहता है ये लाइट का? सर 2 फीट का आता है स्टार्टिंग, 2 फीट से लेके 5-6-7 फीट तक का, सर 6-7 फीट तक का आता है। ओके ओके, अभी अवेलेबल में है स्टॉक अपने पास। ओके, और प्लांटेड के लिए तो लाइट सही है बोयू के, आर एस के, ये वाईफाई स्मार्ट लाइट है। ओके, बोयू का ये वाईफाई स्मार्ट लाइट है, ये कुछ 4 फीट का रहेगा, राइट राइट सर। ओके, तो लाइट्स का भी बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जी, और ये प्लांटेड लाइट है स्पेशली सनसन के लिए, स्पेशल प्लांटेशन। ओके ओके ओके, और अपने पास ओसे इन्फिनिटी के भी है टैनिंग लाइट्स। ओके, जो रेयर किसी के पास भी मिलते हैं, ये देखने मिलता है। ओके ओके, बिकॉज ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है सर। ओके ओके जी, तो ये इनका लाइट का सेक्शन हो गया, और इनके पास CO2 के भी सिलेंडर है स्मॉल साइज से बड़े साइज तक, तो ये देखिए, और CO2 टैबलेट्स भी है और फर्टिलाइजर्स भी है, और यहाँ पे भी लाइट्स है एक्वा ब्लू के। और ये इनका खुद का प्रोडक्ट है एवरीडे डिस्कस बिट्स, तो इसमें माइक्रो पैलेट्स भी अभी आए हुए हैं जो स्मॉल साइज के फिशेस के लिए हैं। ये देखिए, और ये अरवाना पैलेट से सर। ओके, जिसको मतलब कोई भी फिश को आप डालोगे ना अरवाना को, कैसा भी अरवाना है, मैक्स टू मैक्स अरवाना इसको एक्सेप्ट करता ही करता है। ओके, काफी सारे कस्टमर से लेके गए कि मुझे ट्राई करना, तो हम लोग अभी छोटा ही पाउच बना। अच्छा, ट्राई करने के लिए जब उन्होंने डाला तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया ऑन द स्पॉट में। ओके, ऐसा नहीं कि उसको लिया फिर फेंक दिया फिर एक्सेप्ट नहीं किया, काफी अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया उन लोगों ने। ओके, जितने भी अभी तक अरवाना फ्रूट को डाले। ओके, और इसका प्रोटीन परसेंटेज कुछ 40% है। तो यहाँ पे एक कस्टमर है, उनसे तो बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। हाय विकास जी। हाय। तो सर आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेते हो हमेशा? अब मैं स्पेशली 2 प्रोडक्ट यूज करता हूँ, रेड और ब्लू वाला। ओके, रेड वाला मुझे तो विद इन 1 वीक के अंदर इसका रिजल्ट मिला है। ओके ओके, रेड डिस्कस के लिए बहुत बेस्ट फूड है, मतलब कलर एनहांसिंग के लिए। अच्छा। और उसका हेल्थ वाइज भी इम्प्रूव करता है। ओके, और ब्लू वाला
ब्लू वाले का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके, तो इसके वजह से ना ब्लू कलर का शाइन बहुत मस्त दिखता है। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आप पूरा डिस्कस का आपका घर पे ये स्टॉक है? हाँ, घर पे मतलब मेरा स्टॉक है। ओके, तो ये इनका फूड सेक्शन हो गया, ये प्लास्टिक प्लांट्स है और ऊपर ये है, तो इसके बारे में कुछ बताइए मुकेश भाई या हसन भाई। ये सब ऑल इन वन स्मार्ट मेंटेनर सेट है। okay. इसमें मतलब कैसा अलग से साइफन पाइप अपन लेते हैं, okay. स्मार्ट अलग से अपन स्क्रैपर वगैरह लेते हैं, okay. इसमें ऐसा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। okay. ये ऐसे मतलब हैवी मटेरियल से बना हुआ है, एक बार ले लो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। okay, okay. और ये काफी अच्छा चीज है, इसके अंदर सब कुछ है। तो फ्रेंड्स ये एक सेक्शन है इनका, दूसरा ये सेक्शन है, यहाँ पे बर्ड टॉयज है और शो पीसेस है, और शो पीसेस में भी सिरेमिक के शो पीसेस है जो आपको सब जगह नहीं देखने मिलेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे शो पीसेस है सिरेमिक्स के, और बर्ड टॉयज है ये, और यहाँ पे भी है अंदर नेट्स है। और ये देखिए, तो ये भी सब सिरेमिक्स का ये है शो पीसेस, ये देखिए। और इनका एक और एक सेक्शन है वो साइड में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सब फिल्टर्स और फिश फूड्स है कुछ एसेसरीज, ये देखिए। तो हसन भाई यहाँ पे अभी क्या स्टॉक्स है ये रूम में? इसमें हैंगोंग फिल्टर वगैरह है, पावर हेड है, एक्सटर्नल फिल्टर वगैरह है, हीटर है, हीटर्स है, डॉल्फिन के फिल्टर भी है और फीडर भी है डॉल्फिन के, डिजिटल और नॉर्मल ऑटो फीडर्स भी है, हैंगोंग फिल्टर्स भी है डॉल्फिन के यहाँ पे, और एटमन के भी यहाँ पे दिखेंगे आपको हैंगोंग फिल्टर्स बड़े, और कैनिस्टर फिल्टर्स भी है, सनसन के हैं, डॉल्फिन्स के भी है, ईएम के है, ओके, ईएम के है, और ये देखिए ये स्पॉन्ज फिल्टर्स भी है बोयू के, कूलिंग फैंग है ओस्टा के, ओके, कूलिंग फैंग वगैरह है ओस्टा के, ये हैंगोंग है, हैंग कर सकते हैं आप, ओके, और ये भी आप इसको पट्टी वगैरह में भी आप उसको फिटिंग कर सकते हो, ओके ओके। यहाँ पे बर्ड्स है, तो इनके बारे में कुछ बताइए मुझे। ये कॉकटेल्स है, ओके, सुपर टीम है और क्वाइट गुड हेल्थी बर्ड्स है, ओके, और मेल फीमेल कंफर्म है, ओके ओके। तो ये व्हाइट वाली मेल है, फीमेल लुटिनो कॉकटेल्स, ओके, वो लुटिनो फीमेल है, ओके ओके, और ये ग्रे में ग्रे येलो फेस मेल है, ओके ओके। हाँ, तो इनका डाइट क्या मतलब क्या ज़्यादा? नॉर्मली स्प्राउट्स मॉर्निंग में स्प्राउट्स ले सकते हो आप, ओके, स्प्राउट्स, ओके, फिर स्प्राउट्स मॉर्निंग में, इवनिंग में थोड़ा सा पैलेट्स हो गया, ओके, आफ्टरनून में सीड्स दे दो उनको। अच्छा, यहाँ पे अनिल सर आए हुए हैं इस स्टोर में, तो उनसे बात करके देखते हैं कि उनसे कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का। हाय सर। हाय गुरु, हाउ आर यू? फाइन, विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। एंड आज यहाँ पे कुर्ला में पूजा ट्रेडर्स में आया हूँ, आज इनका ओपनिंग है, वेरी ऑस्पिशियस डे पे ओपन कर रहे हैं, एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू दैट स्टोर, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। द रीजन बीइंग, ये कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने लाया नहीं है कि अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग, योर फ्रेश वाटर, योर मरीन पैट्स, योर विंग पैट्स, योर यू नो यू नेम द पैट्स, दे आर देयर, एंड देन everything to support their the hobby, everything to support them, like medication ho gaya, feed ho gaya, jaise abhi aquariums ke liye water filters ho gaye, everything is there, I can see all the brands. So agar koi hobbyist yahan pe enter karta hai, so obviously he doesn't have to go to another shop, he'll always be there, I mean he'll get everything under one. So that's the kind of shops we should visit, and you know, overall I'm happy to be here. Basically A to Z sab. Absolutely, absolutely. You can say ke alphabets pure complete kar diye inhone. Yeah, right. Hai na? Yeah. Thank you, sir. And all the best to Pooja Traders. Yeah. Happy Dasera once again. Bye bye. Hi Milim sir. Hi Guru and hi everyone.
एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू वेंचर, और इस स्टोर के बारे में आप क्या बताना चाहते हो पूजा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स गुरु फॉर कवरिंग अस एंड एज यू ऑलवेज डू. थैंक यू वेरी मच. सुबह से आप टाइम दे रहे हो यहाँ पे, यू नो तुम्हारा टाइम निकाल के, सो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस. और मैं चाहूँगा कि लोग ये स्टोर्स आके देखें, उनको कुछ अलग दिखेगा कुर्ला में जो आज तक नहीं दिखा था. एंड यू विल बी शोइंग देम मोर थिंग्स व्हाट वी हैव कवर्ड हियर. और सबसे बहुत अच्छी चीज़ जो मैं अश्योर करता हूँ लोगों को, दैट विल बी हॉस्पिटैलिटी. ओके, जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी कम है. तो यहाँ पे स्टोर्स में जो भी आएंगे उनके फीडबैक्स प्लीज दे देना. जो भी कुछ कम है, जो भी उनको चाहिए, जो भी हमारे स्टाफ से उनको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, आई ट्राई टू प्रोवाइड द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो, और उसके बाद क्लाइंट्स की नीड फुलफिल कर देंगे. और मरीन टैंक सेटअप्स करके भी मिलेगा कस्टमाइज क्लाइंट्स को? यस, मरीन का हम लोगों ने ये देखा है ना कि सिंस वी आर इन मुंबई, तो लोगों के पास जगह की बहुत कमी होती है. तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों तरह के टैंक सेट्स किए. एक बड़े भी है जिसके साथ सम्प आता है, जो जिनके पास जगह नहीं है सम्प रखने के लिए, उनको हम लोगों ने ऐसे सिस्टम बना के दिया जब टैंक के पीछे सम्प है. जिनके पास थोड़ी सी जगह है सम्प के लिए, उनके लिए हम लोगों ने फिल्ट्रेशन सिस्टम भी रखा है जो कि हमारे एक्सटर्नल फिल्टर्स के साथ कवर होती है. वी हैव स्मॉल नैनो टैंक्स ऑल्सो जो कि 15x15x15 inch के हैं, जो तुम्हारे तुमको अगर चाहिए तो विद कैबिनेट और विदाउट कैबिनेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. अच्छा, और प्लांटेड टैंक्स का तो आपका सेटअप अच्छा ही लगा मुझे, बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ये वेरिएशन दे सब इसमें टैंक्स में. थैंक यू. और एक पूछना था कि अगर कोई पेट्स किसी को चाहिए बर्ड्स तो ऐसे ऑर्डर करके भी आपके यहाँ से मिल सकता है? हाँ, देखो बेसिकली आई लव टू कंसल्ट पीपल एंड ऑब्वियसली देयर इज नो चार्ज फॉर दैट. ओके, तो मेरा नंबर लेके कोई भी मुझे कॉल कर सकता है. हम लोगों ने ये देखा है कि लोगों के पास थोड़े से पैसे आते हैं तो विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट जानकारी कोई भी पेट ले लेते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं ये हम लोग नहीं रख सकते. तो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी डेफिनेटली फॉर योर हेल्प टू टेल यू व्हाट पेट यू शुड हैव, इवन अ डॉग. लोग बोलते हैं कि मेरे पास 4 BHK है. ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल साइज डॉग भी वहाँ पे प्रॉपरली नहीं बढ़ सकता. उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे कितने भी बड़े घर हो आपके, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, आपके पास ग्राउंड है, तो आप फिर बड़े साइज के डॉग्स के लिए जाओ, जैसे कि लैब्राडोर हो गया, रिट्रीवर्स हो गए, या मिडिल. अगर आपके पास छोटे अपार्टमेंट्स हैं तो डेफिनेटली टॉय ब्रीड्स आर वेरी गुड. ओके, तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो है इनके बारे में क्या बताना चाहोगे? Exactly, and thanks for the question, because I would like to thank Mayur ji, Mayur Dev from Stillwater Aquatics and his entire team, Sandeep hai, Kanchan hai, Pooja hai, and everyone in the stores. They are very very helpful whenever I had been there. उन्होंने अपना stock रखने के मुझे permission दी है यहाँ पे. And मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, cost में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, आप वहाँ जाओ या यहाँ आओ, जो भी आपको prices ADA में मिलेंगे वही आपको ये stores में मिलेंगे. अच्छा, और कुछ मैसेज आप देना चाहोगे व्यूअर्स के लिए हमारे? थिंक ऑफ व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट. अगर कुछ भी होता है तो आप ये मत सजेस्ट करो कि मुझे 2 feet का टैंक लेना है या 4 feet का टैंक लेना है. पहले आप ये डिसाइड करो कि उसमें आपको कौन सी फिशेज रखनी है. फिशेज के हिसाब से आपका टैंक डिजाइन करो, क्योंकि देखा है मैंने लोगों को, लोग 2 feet के 3 feet के टैंक में अरवानास रख रहे हैं, विच इज रियली नॉट गुड. You know, it's like a cruelty for the fish. तो आप अगर अरवाना रखना चाहते हो तो कम से कम आपके पास एक 5 feet का टैंक होना चाहिए, अगर वो एशियन अरवाना है, क्योंकि वो साइज में राउंड बोट अपना सिल्वर अरवाना हो गया, वो 4 feet तक बढ़ता है वाइल्ड में. सो डोंट डू दैट. यू कैन डेफिनेटली आस्क अस एनीथिंग दैट यू वॉन्ट एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू. तो सर थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शूट योर स्टोर. और फिर भी हम लोग वापस भी एक बार न्यू स्टॉक जैसे आएगा, अभी तो बहुत कम स्टॉक है, तो शूट करेंगे. Thank you very much. Thank you so much, Guru, and thank you, viewers, and keep watching. Thank you. तो फ्रेंड्स, ये था पूजा ट्रेडर का नया शॉप कुर्ला ईस्ट में. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी न्यू वीडियोज़ देखने के लिए.